इंडियन आइडल सीजन 12 से जुड़ी एक और धमाकेदार खबर बताने जा रहे हैं आप सभी दर्शकों को। दरअसल में ये शो से जुड़ा हुआ कोई अपडेट नहीं है, बल्कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल से जुड़ा हुआ है। दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार का इजहार भी कई बार दबी आवाज में कर चुके हैं शो के सेट पर, लेकिन अब इनका प्यार जो है धीरे धीरे जो है गहराता जा रहा है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से पैम्पर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी अच्छी तरह से देते हैं, दोनों के बीच में नोकझोंक भी होती है, और साथ ही साथ दोनों के बीच में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्यार भी है। बहुत एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की हम बात करें तो। अब ऐसे में एक और खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है, अरुणिता कांजीलाल ने रखा है उपवास, अरुणिता कांजीलाल ने रखा है व्रत। अब ये व्रत से क्या है रिश्ता पवनदीप राजन के साथ, आज हम आपको यही बात बताएंगे। क्या पवनदीप राजन के लिए कोई खास व्रत रखा है अरुणिता कांजीलाल ने? क्या पवनदीप राजन को जीतता हुआ देखना चाहती हैं अरुणिता कांजीलाल? आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। हम आपको बता दें दोस्तों कि पवनदीप राजन की बहनें और अरुणिता कांजीलाल के बीच में खास तरीके का रिश्ता बन चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते के बंधन में बंधने से पहले ही एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड को शेयर करते हैं, जहां पर पवनदीप राजन का पूरा परिवार मानता भी है और अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी करता है अरुणिता कांजीलाल का। और ऐसे में ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हरेला ये एक त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में और नॉर्थ के कई इलाकों में इसे सावन सोमवार भी कहा जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में हरेला के नाम से इसे त्यौहार को मनाया जाता है, जहां पर महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, अपने पति की लंबे उम्र के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। और ऐसे में ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पवनदीप राजन का पूरा परिवार जो है ये व्रत रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो भी एक अच्छे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। और साथ ही साथ मान्यता ये है कि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जैसा वर प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी इस व्रत को रखा था, और तभी से ये मान्यता जो है काफ़ी प्रचलित है, और उत्तराखंड में इस तरह की मान्यता बहुत ज़्यादा उसको माना जाता है और साथ ही साथ उसको रखा भी जाता है। और ऐसे में अरुणिता कांजीलाल जो है निर्जला व्रत रखते हुए दिखाई दी, और साथ ही साथ ये बात जो है हमें शो के सोर्सेस जो हैं हमसे बात करते हुए बता रहे हैं। अब इस बारे में किसने कहा, हो सकता है कि पवनदीप राजन की बहनों ने कहा हो सकता है, और हो सकता है कि पवनदीप राजन की मम्मी ने कहा हो सकता है अरुणिता को, तो शायद इसी वजह से अरुणिता ने ये व्रत रखते हुए दिखाई दे रही हैं अपने होने वाले वर यानी कि पवनदीप राजन के लिए। हो सकता है ये बात, इस बात में सच्चाई हो सकती है, और हमें तो यही लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और ऐसा भी हो सकता है कि पवनदीप राजन की जीत के लिए भी रख सकती हैं अरुणिता कांजीलाल, क्योंकि अरुदीप जो है एक हो चुके हैं। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।